और मैं देख रहा हूँ कि पासवानदा समाज के मुस्लिम उसमें जा रहे हैं, अंसारियों अंसारी प्रांतों में भी जा रहे हैं, उसको आप किस नजरिए से देख रहे हैं? देखिए वो साइलेंट इसलिए है कि उनके पास अपनी उपलब्धियां बताने के लिए कुछ भी नहीं, ठीक है ना। जनता से के बीच में आप कब जा पाएंगे, जब जनता ने जब आपको चुना था, जनता के विकास के लिए आपने कोई काम किया हो, तब आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जनता के बीच में जा पाएंगे। इसी वजह से आज वो दिख नहीं रहे। हम भारतीय जनता पार्टी, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, ये आम जनमानस की सरकार है, अल्पसंख्यक समाज की सरकार है, मुस्लिम समाज की सरकार है, और हमने पूरी ईमानदारी से जनता के विकास के लिए काम किया है। इसीलिए हम पूरी ईमानदारी के साथ जनता के बीच में जाकर उनसे वोट मांग रहे हैं, उनसे फिर से अपना वोट रुपया आशीर्वाद देने की अपील कर रहे हैं। और आम मुसलमानों के अंदर पूरा एक माहौल है भारतीय जनता पार्टी के प्रति, और यही माहौल आप 5 तारीख को जब चुनाव का दिन है आप देखिएगा कि मुस्लिम बूथों पर भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीत हासिल करके विधानसभा में जाएगा। दानिश भाई, रामपुर के अंदर पठानों के बाद अगर वोटों की संख्या अगर रामपुर शहर विधानसभा में है तो अंसारी बिरादरी के 58,000 वोट है, तो वो अंसारी बिरादरी के वोट पर आप कितने पकड़ मजबूत करेंगे? देखिए हम वोटों में पकड़ बनाने के लिए काम नहीं करते, हमारी राजनीति जनता की सेवा के लिए। हम पूरी ईमानदारी से हमारे प्रदेश की एक जन का विकास हो ये चीजें सुनिश्चित करते हैं। और जिस तरीके से मुसलमानों को आजम खान जी ने, समाजवादी पार्टी ने हमेशा ठगने का काम किया, हम मुसलमान थे, उनसे सवाल पूछते थे कि हमारी शिक्षा के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए, हमारी बेहतरी के लिए, हमारे भविष्य के लिए वो क्या काम कर रहे हैं, तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता था। वो चुनाव में हम मुसलमानों को डराते थे, बहलाते थे, फुसलाते थे, और जब हमारा वोट लेके जब वो सत्ता में आते थे तो वो अपना निजी राजनीति पूरा करने के लिए, निजी स्वार्थ पूरा करने के लिए वो अपना कार्यकाल खत्म कर देते थे। आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जिस ईमानदारी से मुस्लिम समाज की तरक्की के काम किया है, आप देखिए अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में आज हॉस्पिटल बन रहे हैं, स्कूल बन रहे हैं, स्टेडियम बन रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 22 डिग्री कॉलेज अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में बन रहे हैं, जिसमें 16 डिग्री कॉलेज केवल महिलाओं के लिए, हमारे बहनों के लिए। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के माध्यम से तमाम विकास काम हो रहे हैं, मदरसों का आधुनिकरण हो रहा है। आज मदरसे से जो है दीन इस्लाम भी बच्चा पढ़ के निकल रहा है, और उसी मदरसे से आधुनिक शिक्षा भी पढ़ के निकल रहा है और समाज की मुख्य धारा से जुड़ रहा है। उसी मदरसे में उर्दू फराटेदार उर्दू भी बोल रहा है और फराटेदार इंग्लिश भी बोल रहा है। ये है आज के मुसलमान युवाओं की तस्वीर जो हम पेश करना चाहते हैं, जो हमने अपनी मेहनत से, ईमानदारी से बनाया है।